नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है और आशा करते हैं आप सभी लोग कुशल और स्वस्थ होंगे। और बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम बताएंगे हलषष्ठी व्रत कथा के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्राचीन काल में एक ग्वालन थी, उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक और वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो दूध दही यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गाँव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलषष्ठी थी। गांव भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गाँव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फल स्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तभी स्त्रियों ने सब धर्म रक्षात और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। आज के लिए इतना ही। कथा समाप्त।